अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप सबके अपने चैनल पर खुशामदीद करता हूँ। दोस्तों, इससे पहले हम लोग बात करते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फेसबुक और इस तरह के जो सोशल मीडिया से रिलेटेड वेबसाइट्स हैं इनके बारे में। हम इनकी आने वाली हर अपडेट के बारे में तफसील से बात करते हैं। हम देखते हैं कि कौन सी वेबसाइट्स कौन सी नई अपडेट लॉन्च कर रही है, कौन सी नई वेबसाइट कौन से नए फीचर्स निकाल रही है और इन फीचर्स के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होंगे। हम देखते हैं कि उनसे रिलेटेड जो छोटी वेबसाइट्स हैं उनके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं और किस तरह हम उनसे आने वाली अपडेट को अपने फ़ायदे नुकसान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे उनसे अर्निंग को बेहतर बनाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप भी सोशल मीडिया वेबसाइट्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल एडसेंस, एडवर्ड्स से रिलेटेड आने वाली किसी भी किस्म की अपडेट को मिस नहीं करना चाहते, अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के बटन को दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे काम के मतलब जिसके बारे में बहुत से लोग करते हैं और अपने चैनल को बर्बाद कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपने भी यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करवाया है तो आपने देखा होगा कि इस काम में बहुत मेहनत लगती है। बहुत से लोग इस काम को लिए कोशिश करते हैं लेकिन नहीं कर पाते, क्योंकि यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करवाने के लिए 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम होता है। अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से करने जाए तो इसे बड़ा टाइम लग जाता है और सिर्फ एक ऐसा काम होता है जिस पर लोग लालच में आगे करते हैं और इसी शुरू में चैनल को ख़राब करवा लेते हैं और अपने मोनेटाइजेशन भी डिसेबल करवा लेते हैं। आज हम देखेंगे ऐसा कि ये काम कौन सा है और इसे किस तरह बचा जा सकता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के बटन को दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। इसलिए दोस्तों, देर किए बिना शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले कहा, आज मैं आपको बताऊँगा एक ऐसी चीज़ के बारे में जो बहुत से नए यूट्यूबर्स करते हैं और इस तरह करके अपना चैनल ख़राब करवा लेते हैं। दोस्तों, ये चीज़ है सेल्फ क्लिपिंग। दोस्तों, बहुत से नए यूट्यूबर्स होते हैं जो कि बड़ी मेहनत से अपने चैनल को मोनेटाइज करवाते हैं। वो पहले तो इतना इंतजार कर लेते हैं कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा कर लें। आहिस्ता आहिस्ता जब उनके सब्सक्राइबर 100, पहले 10 से फिर 100, फिर 100 से 1000 और 1000 के बाद उनका वॉच टाइम भी इसी तरह पहले 10 घंटे, फिर 100 घंटे, फिर 1000 घंटे और फिर 4000 घंटे तक पहुँचते हैं। दोस्तों, तब तक वो इंतज़ार कर लेते हैं कि उनके चैनल पर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आए, लेकिन जब उनका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो इसके बाद उनका दिल होता है कि उसमें अर्निंग ज़्यादा चाहता है, जबकि ऐसा नहीं होता। स्टार्टिंग पे मोनेटाइजेशन पर कभी भी ज़्यादा अर्निंग नहीं आती और वो काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ये इंतज़ार नहीं कर पाते। जब उनका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो वो लालच में आकर उनको सोचते हैं कि उनको पैसे बहुत ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। इस तरह वो अपनी अर्निंग बढ़ाने के लिए यूट्यूब वगैरह पर सर्च करते हैं अपने एडसेंस की अर्निंग बढ़ाने के तरीके को। बहुत से लोग सेल्फ क्लिपिंग की वीडियोस बनाकर बैठे हैं। दोस्तों, सेल्फ क्लिपिंग जितना अच्छा मेथड लोग बताते हैं इतना अच्छा मेथड बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये उससे बिल्कुल उनका उल्टा है। जब आप देखेंगे कि नेट पर आपकी वीडियोस आ रही हैं और आप उन पर सेल्फ क्लिक कर रहे हैं तो ऐसे होगा ये कि यूट्यूब जो है उसको इन मैनुअल क्लिक में समझेगी। भले ही आप जितने मर्जी VPN लगा लें, आप जितने मर्जी VPN कनेक्ट कर लें, यूट्यूब उस क्लिक को इनवैलिड समझेगी। और अगर आप बार बार इनवैलिड क्लिक करेंगे या इस तरह की एक्टिविटी रखेंगे तो यूट्यूब उस क्लिक पर बिल्कुल नज़र रखेगी। दोस्तों, यूट्यूब भी $1 मिलियन कंपनी है, हम उसको ऐसे ही VPN लगाकर ट्रिक नहीं कर सकते। अगर आप VPN लगाकर ट्रिक करने का सोचते हैं तो ये सिर्फ गलती है। जो लोग आपको बता रहे हैं वो कोई भी सेल्फ क्लिकिंग नहीं करते होंगे, बल्कि वो आपकी वीडियो को सर्च करने के लिए आपको वीडियो बनाकर रख रहे हैं, जिस सूरत में सिर्फ उनको ही फ़ायदा होगा और आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे ही अपने वीडियोस पे क्लिक करेंगे, उन पर आने वाले एड्स पर जितने मर्जी VPN लगा कर क्लिक करेंगे, जिस मर्जी टाइम पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपके इनवैलिड क्लिक की एक्टिविटी बढ़ती जा रही है। और जैसे ही वो यूट्यूब के एल्गोरिथम में आएगा, आपकी यूट्यूब की इनवैलिड क्लिक की वजह से आपकी मोनेटाइजेशन बंद कर दी जाएगी। ऐसी सूरत में जो आपको थोड़ी बहुत अच्छी बिल्कुल साफ तरीके से अर्निंग आ रही थी वो भी नहीं आएगी, जो कि हमेशा बढ़ती ही है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आपके व्यूज बढ़ते हैं और आपकी अर्निंग भी बढ़ती है। लेकिन क्योंकि आपकी अर्निंग आनी ही नहीं, तो ऐसी सूरत में आपकी जो मेहनत थी सारे मोनेटाइजेशन की, वो आपको बिल्कुल खत्म हो गई। आपको नया चैनल बनाना पड़ेगा, नई वीडियोज बनानी पड़ेगी, उसे दोबारा उतनी मेहनत करके उसे दोबारा मोनेटाइज करवाना पड़ेगा। दोस्तों, ये है वो तरीका जिसकी वजह से बहुत से यूट्यूबर जो है नए अपने यूट्यूबर सबके चैनल ख़राब करा लेते हैं। मेरा सबको यही मशवरा है कि सेल्फ क्लिकिंग से बचें और हमेशा सही तरीके की अर्निंग पर गौर करें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटे के बटन को दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नोट से पैसे कमाते रहिए और अल्लाह हाफिज़। करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इंटरनेट से पैसे कमाते रहिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।